भारत ने फ्रांस में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। भारत के लिए स्थिति काफ़ी स्थिर है, इसलिए प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट और पेरिस में 14 जुलाई को बैटल दिवस पर पहली बार प्रदर्शन के बावजूद यह सुखद तस्वीर नहीं है, कुछ हो गया है। हालांकि फ्रांसीसी राफेल में है और भारत के तेजस में नहीं है, लेकिन यह केवल एक अनुमान है और यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता। साथ ही यह वास्तविक तस्वीर के करीब भी हो सकता है। हुआ ये है कि भारत की समग्र सैन्य क्षमताओं का दिलचस्प संकेत, जो कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मारक क्षमता चार्ट के अनुसार दुनिया भर में चौथे स्थान पर है, यह हैरानी की बात नहीं है कि यह देखते हुए कि चार्ट में अग्रणी तीन स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं, जो भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और वैश्विक स्थिति पर नियंत्रण और राजनीतिक घमंड का एक सूक्ष्म उत्तर है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की वर्ल्ड फेस फैक्टबुक पर गहराई से निर्भरता और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स घोषित करता है। यह भारत की लगभग वहीं पर है जहां पर वे एक दशक पहले था। इसका मतलब क्या है? भारत की एयर की शक्ति है वो कम हुई है, मतलब बड़ी नहीं है, और यहां तक कि इस ग्रेडिंग को चुटकी भर नमक के साथ लेते हुए मानवीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय सैन्य क्षमताओं के एक आवश्यक तथ्य के रूप में जानना जरूरी है। समग्र तस्वीर टुकड़ों में खरीदारी या राजनीतिक दिखावे से नहीं बनाई जा सकती, या पूरी तरह से दीर्घकालिक होनी चाहिए। दीर्घकालिक खतरे और लापता टुकड़ों के ईमानदार विश्लेषण पर निर्भर है। वेबसाइट के सब टेक्स्ट में एक दिलचस्प राइटर है जो भारत की स्थिति स्थिर तस्वीर को आहत लोगों के दिलों को खुश कर देगा। अब आपको बताएं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मालिक घोषणा करते हैं कि इस वेबसाइट पर प्रस्तुत सामग्री केवल ऐतिहासिक और मनोरंजन मूल्य के लिए है, इसलिए इसे लार्क उपहास को